हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाभी को इम्प्रेस कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लड़कों की ना पसंद बिल्कुल अलग होती है, हटकर होती है। उन्हें भाभी को इम्प्रेस करने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ कि भाभी को इम्प्रेस कैसे करें। तो फ्रेंड्स, भाभी को इम्प्रेस करना आसान काम तो नहीं होता, लेकिन आप उन्हें छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखें, आप आसानी से उन्हें इम्प्रेस कर सकते हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली बार आ रहे हो ना, तो प्लीज यार लाल बटन को दबा के थोड़ा सा उसे प्यार दिखा दो, साथ ही जो बेल आइकन है इसे भी दबा लो, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है, तो दोस्तों, भाभी को इम्प्रेस करने के लिए सबसे जरूरी है कि जब भी आप उनसे बातें करते हो तो आप एक चीज की तारीफ जरूर करो। दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है, कोई भी फीमेल हो, चाहे लड़की हो चाहे लेडी हो, किसी को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये सभी ना अपनी तारीफ सुनने के लिए तड़पती रहती है, एक तरह से भूखी रहती है। जब आप उनसे बात करो तो किसी एक चीज की तारीफ जरूर करो, यकीन मानो वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगी, आपकी मेमोरी हमेशा उनके याद में रहेगी, हमेशा वो आपको ध्यान रखेंगी। जब मैं उनसे बोलूंगी वो मेरी तारीफ करेगा और साथ ही वो आपसे बात करने के लिए भी तड़पेंगी, क्योंकि जब आप उनसे बात करोगे तभी तो आप उनकी तारीफ करोगे, तभी उनको अपनी तारीफ सुनने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इससे आप आसानी से भाभी को इम्प्रेस कर सकते हो, ये टिप आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसे हमेशा ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, तो फ्रेंड्स देखो, भाभी है तो थोड़ी बहुत आपकी जान पहचान होगी, थोड़ी बहुत बातें भी होती होंगी, तो उसी चीज़ का आपको फायदा उठाना है, उन्हें स्पेशल फील कराना है जब आप उनसे बात करते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। जब आप उनसे बात करो तो उन्हें थोड़ा सा अलग फील कराओ, जैसे कि उनके साथ अच्छा बिहेव करो, या फिर आप उनके साथ इस तरह से बर्ताव करो, या फिर इस तरह से व्यवहार करो कि जब भी आप उनसे बात करते हो ना तो उन्हें ये लगना चाहिए कि वो आपके लिए स्पेशल है। इसके लिए आप उनकी तारीफ तो कर ही सकते हो, साथ ही आप उन्हें ये बोल सकते हो कि मैरिड होने के बाद भी वो कितनी यंग लगती है, आपके अगर किसी लड़की के साथ कंपेयर करें ना तो आप ही यंग लगोगी, आप ज्यादा ज्यादा खूबसूरत लगोगी। तो ये बात सुन के ना उन्हें बहुत खुशी होगी कि आप उन्हें एक लड़की से कंपेयर कर रहे हो। इसी तरह आप उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए उनकी बातों को अच्छे से सुन सकते हो, उनकी बातों को, छोटी छोटी बातों को नोटिस कर सकते हो, या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो किसी भी बात को। इससे वो आपसे धीरे धीरे अटैच होने लगेंगी, क्योंकि आप उन्हें वो टाइम दे रहे हो जो उनके हस्बैंड उनको नहीं देते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, या फिर उन्हें स्पेशल फील नहीं कराते हैं। तो इस मोमेंट को वो कभी भी भूल नहीं पाएंगी, और इससे आप आसानी से भाभी को इम्प्रेस कर सकते हो। अगला पॉइंट है, तो फ्रेंड्स, भाभी को इम्प्रेस करने के लिए आप उनसे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर सकते हो। भाभी हैं तो नॉर्मली फ्लड भी कर सकते हो, छोटा सा फ्लड कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल में या लिमिट में रहकर फ्लड करना नहीं, ऐसा नहीं हो कि फ्लड करने के चक्कर में कहीं आप बिल्कुल लिमिट ही भूल जाओ और आपका काम बनने से पहले ही बिगड़ जाए, वो इम्प्रेस होने की बजाय आपसे नाराज हो जाए। तो इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना। तो इन सभी टिप को यूज करके आप भाभी को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।